अफेयर की चर्चा से परेशान होकर जब इस एक्ट्रेस ने सोहेल खान को बना लिया भाई। बॉलीवुड की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है हुमा कुरैशी। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हुमा ने फिल्म में एक्टिंग से आलोचकों के मुंह बंद कर दिए थे। साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और 2 में बेहतरीन एक्टिंग कर काफी सुर्खियां बटोरी थी। सुर्खियों से याद आया, एक वक्त था जब हुमा का नाम बी टाउन के फेमस एक्टर और डायरेक्टर सोहेल खान के साथ जोड़ा जा रहा था। आइए बताते हैं कि इस बारे में हुमा कुरैशी ने क्या बताया था। 28 जुलाई 1986 को हुमा कुरैशी का जन्म दिल्ली में हुआ था। हुमा ने पहले अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत विज्ञापनों में काम करने से की थी और एक एड शूट के लिए जब वो मुंबई आई थी तो अनुराग कश्यप की नज़र उन पड़ी। हुमा के उस एड शूट से अनुराग काफी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। पहली ही फिल्म के बाद हुमा को फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान मिल गई थी और तब उनके नाम के साथ सोहेल खान का नाम जोड़ा जाने लगा। सोहेल और हुमा के बीच अफेयर की चर्चा बी टाउन के साथ साथ मीडिया में भी आई थी। लेकिन एक इंटरव्यू में जब हुमा से सोहेल के साथ रिलेशन के बारे पूछा गया तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि हुमा ने सीधे सीधे सोहेल खान को भाई जैसा बताया था। हुमा कुरैशी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके अफेयर की अफवाहें घटिया हैं और वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने अफेयर से जुड़ी अफवाहों से कैसे निपटती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचती, मेरा परिवार जानता है कि सच क्या है, मैं इन खबरों को खुद को परेशान नहीं करने देती। मैं हमेशा मानती हूँ कि प्रशंसकों के साथ आपका रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है।